नाजिन, ये छोटा सा जलसा जो आप रात के अंधेरे में देख रहे हैं और ठंड में देख रहे हैं कि JUIF के नूर आलम खान का है। NA 28 से ये जो उम्मीदवार हैं और इलेक्शन लड़े हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। इनके पास सिक्योरिटी पर्सनल गार्ड्स अपने हैं, तो इस हवाले से जो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? तो इतनी ठंड में और इतनी धुंध में कितना मुश्किल हो रहा है कैंपेन करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, धुंध भी है, सर्दी भी है। अब हमारा 4 बजे का यहाँ प्रोग्राम था, लेकिन हम आए 6:30 बजे, क्योंकि धुंध भी था और वहाँ पर ज़्यादा प्रोग्राम हो जाते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी है, लोगों के भी शुक्रगुजार हैं कि वो बैठे होते हैं। तो कैंपेन तो चलती है, धुन भी बहुत ज्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। लेकिन बाकियों की मुश्किल आज कुछ ज्यादा है आपसे। आपकी जो पुरानी पार्टी है PTI, उनसे बल्ले का सिंबल जो है वो ले लिया गया है, तो क्या दुरुस्त फैसला था कि उनसे बल्ले का सिंबल ले लेना? क्या आपको नहीं लगता कि उससे उनके लेवल प्लेइंग फील्ड जो वो मांगते हैं उससे महरूम हो गए? देखें जी, मैं उसके लिहाज से मैं कानून के एक तो होती है कि जो पहले होता है नजरिए ज़रूरत, एक नज़रिया ज़रूरत है, एक है कानून। कानून के तहत तो जो फैसला हुआ है वो अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है। तो जब लॉ, आप अगर पार्टीज़ में इलेक्शन नहीं करेंगे, अगर आप उसको आपको बार बार इलेक्शन कमीशन के या कोर्ट इलेक्शन तो किया मगर वो उसका तौर तरीका, मगर बाकियों का भी तो तौर तरीका ऐसा है ना। अब मैं आपको बताऊँ, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। किसने कहा है कि नहीं हो? तो किसी के पास कोई निशान ना बचे? नहीं, मैं तो अच्छी बात है। बात यह है कि हर एक का पता चले कि कौन कैसा है। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते तो शायद उनसे बल्ला ना लिया जाता। एस्टेब्लिशमेंट वैसे एक बात है, लाडले तो पहले भी लाडले थे, अब भी लाडले हैं। अभी कैसे लाडले हैं? आप मैंने जी जेल में मैं भी वक्त गुजारा है, मैं वहाँ पे था, तो उस वक्त भी वहाँ पे हमने तो कोई देसी घी नहीं, हमारे लिए एक्सरसाइज मशीन नहीं आई, हमारे लिए अदालत हमारे कोर्ट में नहीं आई, वरना हम पॉलिटिकल प्रिजनर थे। इन पे तो केसेस हैं बगावत के और फिर करप्शन के और उसके, हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जर्नलिस्ट के लिए और कोर्ट्स के लिए हम गए थे। ये तो जी करप्शन के उसके में भी ऐसे, मुझे ये हैरान होती है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो होता है कि दो नहीं, ये एक पाकिस्तान होना चाहिए। फिर लीडर को भी उसी तरह सख्ती, उसको देसी घी मत दें, देसी मुर्गे मत दें, ताकि वो वहाँ पे रहे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब वोट, यहाँ पे लोग आते हैं, ये खैर वो तो आपने अलग, यहाँ पे जब हम आते हैं ना, हमारे जो लीडर्स पार्टीज़ के जो हैं, ये अपने मैनिफेस्टोस से फिर चेंज हो जाते हैं। जो आवाम के साथ वादा करते हैं कि हम आपको बिजली देंगे, नौकरियाँ देंगे, घर देंगे, फलाना डिंगला जो भी वो करते हैं, फिर वहाँ पे जाकर वो बोले, अगर कोई MNA फिर वहाँ पे उठ जाए, कोई वर्कर उठ जाए, तो फिर उनको ये कहते हैं कि आप पार्टी पॉलिसी से जरिए। आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है इसमें कोई शक नहीं कि वो वफादार बहुत है, इसलिए चूंकि आप पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर PTI में, फिर JUIFA में, मगर पीपल्स पार्टी और JUIFA में जो नज़रियाती फ़र्क है वो ज़मीन और आसमान का है। आपकी पर्सनैलिटी को मैं जानती हूँ, कैसे फिट होएंगे आप JUIF में मौलवी हजरात के साथ? देखें, आपने सवाल है कि अल्लाह खैर करेगा, उनमें इकराम है, मैंने इनके साथ आपकी अल्लाह खैर करेगा कि उनकी अल्लाह खैर? तो सबकी अल्लाह खैर करेगा, हम सबके लिए अल्लाह खैर की वो करेंगे, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के साथ सेट होंगे। दूसरी बात यह, मैंने आवाम के लिए आवाज़ उठानी है, मैंने जो मुल्क के खिलाफ कोई ना हो, कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम ना करे, तो उसके लिए आवाज़ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि मैं असेंबली के फ्लोर पर भी उठाऊँ, मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, सो आई नो इंशाल्लाह इनकी रिप्रेजेंट जो करूंगा वो इनकी आवाज़ उठा सकूंगा। इलेक्शंस के लिए विश यू द बेस्ट ऑफ लक।